सो ही गाजर कैसे हो, वेलकम बैक में अदर न्यू वीडियो। तो भाई अब क्या गया फिर से न्यू वीडियो के साथ। तो गाजर कैसे हो भाई, खूब सब लोग फिर से होंगे। अभी आज के वीडियो में फिर से बात करने वाले हैं काफी सारे अपकमिंग अपडेट एंड गाजर इवेंट्स के बारे में, जो आप सी को जल्दी हमारे गेम के अंदर देखने को मिलने वाला है। आज का वीडियो स्पेशल होने वाला है हमारे आने वाले नेक्स्ट इंक्वेटर को लेकर, क्योंकि फिफ्थ एनिवर्सरी का इवेंट हमारे गेम के अंदर चल रहा है। इस बार का जो इंक्वेटर आने वाला है आप सभी के लिए कुछ स्पेशल किरणा लाकर देने वाला है। अभी गाजर कुछ बाहर के सर्वर से एक बैनर निकल कर आ रहा है, बैनर आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, जिसमे जितने सारे रियर वाले इंक्वेटर जिससे यार ऐड किया गया है। एंड हाँ, इस वाले में गन स्किन आप लोगों को कहीं पे भी देखने को नहीं मिलने वाला है, सिर्फ यार बंडल को ऐड किया गया है। एंड यार इसमें से जो भी फेवरेट आपका बंडल है उसे यार 3-in-1 इंक्यूबेटर के अंदर गिना लाने वाला है। बाकी के कुछ और भी इसके रिलेटेड जो डिटेल्स है जिसके बारे में वीडियो के अंदर आप लोग को इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, वीडियो को कचरा आप लोग बस पूरा देखना। साथ ही पे बात करने वाले एनिवर्सरी स्पेशल आने वाला है हमारे गेम के अंदर, काफी सारे बंडल जो आप लोग को मैजिक स्टोर में देखने मिलने वाला है, जिससे भी रिलेटेड काफी सारे अपडेट आ रहे हैं, जिसके बारे में आने वाले नेक्स्ट इवेंट एंड आने वाले नेक्स्ट वेपन रोल के बारे में भी आप लोग को अपडेट मिलने वाला है। तो ढेर सारे इन्फॉर्मेशन है वीडियो के अंदर, जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। यार उससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, गाजर वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर सेट कर रख लीजिएगा, क्योंकि आपका भाई पर डे आपके लिए ऐसी फ्री फायर से रिलेटेड वीडियो लाता रहता है। तो चलो फिर जल्दी से गाजर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। ये वाली वेबसाइट से मुझे 2000 डायमंड बिल्कुल फ्री में मिले हैं, जो मैंने डेली टास्क कंप्लीट करके लिया है। एंड पिछले 3 दिनों मैंने इस वेबसाइट से डेली टास्क कंप्लीट करके 2000 डायमंड कलेक्ट किए हैं, मेरे अकाउंट में आ चुका है। ये कंपनी अभी मार्केट में न्यू आई है जो इतने सारे गिवे कर रही है, इसके लिए आप लोग को सर्च करना है bancodeesport.com गूगल पे। यहाँ पे आप लोग को 3 डॉट देखने मिलेगा डेली टास्क में। आप सी को देखो, डेली टास्क में देखो आप लोग को एड्स पे क्लिक करने के लिए डायमंड मिलेंगे, कमेंट करने के लिए डायमंड मिलेंगे, एंड यार आर्टिकल रीड करने के लिए भी आप लोग को डायमंड मिलेंगे। तो ऐसे कैसा होगा, 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे आप लोग को लॉग इन कर लेना है। एंड जैसे ही लॉग इन करने वाले, मेरा प्रोफाइल क्रिएट हो चुका है, 62 डायमंड यहाँ पे आ चुके हैं। एंड आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे 1 डायमंड मिला है। जैसे जैसे मैं एड पे यहाँ पे क्लिक करता जाऊंगा, एंड यार 15 सेकंड वेट करने के बाद आप लोग यहाँ पे प्रोफाइल में आकर देख सकते हो 65 डायमंड हो चुका है। प्रोफाइल बनाने के लिए रजिस्टर वाले सेक्शन पे आप लोग को क्लिक करना होगा, विड्रॉ करने के लिए विड्रॉ वाले सेक्शन में जाकर अपना डायमंड भी ड्रा कर लेना होगा। एंड ज्यादा डिटेल्स के लिए आप लोग ये वाले वेबसाइट पर जाकर इस वाले वीडियो को देख सकते हो। एंड ये कंपनी अभी मार्केट में न्यू है, सभी को डायमंड बिल्कुल फ्री में दे रही है और मस्त गिवे कर रही है। तो अभी जाकर लॉगिन कर लो, गूगल पर जाकर सर्च करो bancodeesport.com एंड यार अभी जाकर। सो फाइनली वेलकम बैक अगेन। तो यहां पे बात करने वाले हैं काफी सारे अपडेट एंड गैजेट, काफी सारे इन्फॉर्मेशन के बारे में। देन आप लोग का काफी टाइम से क्वेश्चन आ रहा है वीडियो के अंदर, टू नेट अपडेट के बारे में अपडेट नहीं दे रहे हो, तो आज के वीडियो में फिर से हम लोग यहाँ पे जाने वाले टू नेट अपडेट के बारे में। तो देखो, जब भी टू नेट अपडेट आता है आपका भी आप लोग को अपडेट पहले ही कर देता है। कुछ टाइम से जो इवेंट्स काफी कम आ रहे अभी हमारे गेम के अंदर, तो भाई इसलिए अभी टू नेट अपडेट आप लोग को नहीं मिल रहा है। बात करते हैं आज रात 12 बजे आने वाले न्यू इवेंट के बारे में। तो आज रात 12 बजे के बाद आपसे एक न्यू टॉप इवेंट देखने मिलने वाला है। एंड गाइस आने वाले जो टॉप इवेंट है, जिसके अंदर अभी फिलहाल जो अपडेट आ रहा है, एक क्रिएट के लिए आप लोग को टॉप इवेंट देखने मिल सकता है। देखो इसके बारे में मुझे 50-50 के चांसेस लग रहा है कि यार हमारे गेम के अंदर तो अभी फिफ्थ एनिवर्सरी इवेंट चल रहा है। इस रीजन से यार मुझे लग रहा है आने वाला जो हमारा होने वाला नेक्स्ट टॉप इवेंट, जिसके अंदर आप लोग को फिफ्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड ही टॉप इवेंट ग्रैंड डाल सकता है। बट अभी फिलहाल तक जो अपडेट आ रहा है इस वाले पेड के लिए आ रहा है, आप लोग को नेक्स्ट में ये पेड देखने मिल सकता है 10 तारीख को, जो आई मीन यार कल जो नेक्स्ट इवेंट आने वाला है हमारे गेम के अंदर, जिसके अंदर यार इससे रिलेटेड इमोट साथ ही गाजर कुछ कॉस्ट्यूम भी आप लोग को देखने मिल जाएगा। जो गाजर स्पेड से रिलेटेड होने वाला वो 35 अपडेट का ये जो है न्यू पेड है, जो आप लोग को कल टॉप इवेंट देखने मिल सकता है। एंड देखो मैं ऑलरेडी बता दिया हूँ, ज्यादा कंफर्म नहीं हूँ उस वाले टॉप इवेंट को लेकर। तो भाई अगर ये टॉप इवेंट कुछ चेंजेस होते हैं तो आप लोग को इवनिंग तक या फिर गाजर रात तक आप लोग को मैं कम्युनिटी पोस्ट करके अपडेट दे दूंगा। चलो गाजर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काफी सारे और भी आने वाले अपडेट एंड गाजीवर्ट्स के बारे में। तो आप लोग काफी टाइम से मेरे से पूछ रहे थे भाई जो नेक्स्ट में आने वाला इंक्वेटर है वो यार कौन सा होने वाला है, क्योंकि यार 3 दिनों के बाद हमारा जो है इंक्वेटर चेंज होने वाला है, एंड यार इसमें कौन सा इंक्वेटर नेक्स्ट में डाला जाएगा, जिसके बारे में हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं। देखो जब भी कोई अपडेट डाला जाता है हमारे गेम के अंदर तो हर ज्यादा कंफ्यूजन नहीं होते आने वाले नेक्स्ट इंक्वेटर को लेकर, लेकिन यार इस बार फिफ्थ एनिवर्सरी का इवेंट चल रहा है, जिसलिए यार काफी ज्यादा होप लगाए हुए आप लोगों की यार कोई रियर वाला इंक्वेटर डालने वाला है किरणा गेम के अंदर। वैसा भी गाजर कुछ होने ही वाला है, क्योंकि यार हमारे गेम के अंदर आप लोग को एनिवर्सरी से स्पेशल कुछ इंक्वेटर किरणा रियर वाले एम के अंदर रिटर्न में लाने वाला है। अब देखो जो रिटर्न में आने वाला इंक्वेटर 7 डेज के लिए ही रहने वाला है, बट यार एक और भी इंक्वेटर है जो यार मेन इंक्वेटर होने वाला, जो काफी टाइम तक आप लोग को गेम के अंदर रहने वाला है, जिसके बारे में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं। यहाँ भी गाजर ये जो बंडल देख लीजिए, मैंने आप लोग को काफी पहले इसके बारे में अपडेट दे दिया है। नेक्स्ट आने वाले इंक्वेटर के अंदर आप लोग ये जो बंडल इनर सर्वर के अंदर देखने मिल जाएगा। बंडल यार ठीक ठाक है, आप लोग को आने वाले हमारे नेक्स्ट इंक्वेटर के अंदर ये जो बंडल गिरना ला कर देने वाला, बट इसके बाद कुछ और भी ऐसे बंडल है रियर वाले, जिससे गिरना एनिवर्सरी के टाइम पे हमारे गेम के रिटर्न में लाने वाला है। अब यार यहाँ पे एक बैनर निकल कर आ रहा है कुछ बाहर के सर्वर से फिफ्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड, जिससे आप लोग यहाँ पे देख लिया, जिसमें जितने सारे रियल इंक्वेटर है रियर इंक्वेटर है जिससे गाजर यहाँ पे ऐड किया गया है। अब यार इसमें आप लोग को 3 इंक्वेटर सिलेक्ट करना है, ऐसा 3 इंक्वेटर आप लोग को सिलेक्ट करना है जो काफी रेयर है एंड गाजर आपका सबसे ज्यादा फेवरेट है। एंड यार जिस भी 3 इंक्वेटर को आप लोग सिलेक्ट करने वाले हो गिरना, उसे यार 3-in-1 इंक्वेटर में गेम के अंदर लाने वाला, समझ रहे हो, रेयर इंक्वेटर वो भी यार 3-in-1 में आने वाला है। यहाँ पे जो डिटेल्स है आप लोग को नीचे के साइड देख लिया जाएगा, जिसमें यार बताया जा रहा है 3-in-1 इंक्वेटर में ये जो है आने वाला हमारे गेम के अंदर। तो
आपका जो भी इंक्यूबेटर फेवरेट है मुझे कमेंट में जोर से बता दीजिएगा, क्योंकि यार इससे सिलेक्टेड इंक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर थ्री इन वन इंक्यूबेटर के लिए आने वाले हमारे गेम के अंदर जो यार 7 डेज के लिए रहने वाला है, जिसमें आपका जो भी फेवरेट इंक्यूबेटर है आप लोग इसमें से निकाल लेना। बात करते हैं डेट के बारे में, तो यार डेट के बारे में बात करने से पहले एक और भी अपडेट आ रहा है जिसके बारे में आप लोग को बता दूं। यार ये जो है अपडेट है हमारे इंक्यूबेटर से रिलेटेड है। आप लोग मेरे से काफी टाइम से पूछ रहे थे क्या हमारे गेम के अंदर किमरन बंडल इंक्यूबेटर में रिटर्न में ला सकता है, जो यार हमारा ओल्ड वाले जितने सारे टॉप के किमरन बंडल है। देखो फिलहाल जो अभी अपडेट आ रहे हैं हमारे इंक्यूबेटर को लेकर, वो उसके बारे में आप लोग को डिटेल्स में भी बता दिया है। कुछ रेयर वाले इंक्यूबेटर रिटर्न में आने वाले हैं, बट किरण को लेकर अभी इंडियन सर्वर के अंदर कोई भी अपडेट नहीं आ रहा। कुछ यूट्यूबर जो आप लोग को अपडेट बता रहे हैं हमारे गेम के किरण इंक्यूबेटर हमारे रिटर्न में आ सकता है, तो वो यार बाहर के कुछ सर्वर को देखकर बता रहे हैं, क्योंकि यार बाहर के काफी सारे सर्वर है जिसके अंदर गेना जो है किरण बंडल को इंक्यूबेटर में रिटर्न में ला रहा है। देखो गेना का अगर मैट चेंज होता है तो इंडियन सर्वर के अंदर भी गेना रिटर्न में इसे ला सकता है, बट यार फिलहाल अभी इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं है कि यार इंडियन सर्वर के अंदर ओल्ड वाले किरण बंडल को गेना रिटर्न में ला सकता है। मैं भी यार कुछ टाइम से आप लोग को बता रहा हूँ कि यार किरण बंडल से रिटर्न में आ सकता है गेम के अंदर, क्योंकि बाहर के सभी सर्वर में आ रहे हैं तो इंडियन सर्वर के अंदर भी चांसेस है कि रिटर्न में डाला जा सकता है। इसके बारे में आप लोग को इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फिलहाल जो मैंने आप लोग को अपडेट दिया है 3-in-1 इंक्यूबेटर हमारे गेम की तरह आने वाला, वो भी यार काफी सारे रेयर बंडल को लेकर, इसलिए अगर चांसेस अभी ना के बराबर ही है कि किरण बंडल गेम के अंदर डाला जाएगा। बात करते हैं 3-in-1 इंक्यूबेटर जो हमारे गेम के अंदर आने वाला, जिसके बारे में तो देखो एनिवर्सरी का जो पीक डे आने वाला है जिसके टाइम ही आप लोग को 3-in-1 इंक्यूबेटर हमारे गेम के अंदर देखने मिल जाएगा, जिसमें जितने सारे रेयर इंक्यूबेटर हमारे होने वाले हैं इसमें से ही गजर आपका जितना सारा फेवरेट इंक्यूबेटर होने वाला है जिसे आप लोग सिलेक्ट करने वाले, उसे ही गजर गिनना जो हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 3-in-1 इंक्यूबेटर में लाने वाला है। हाँ ये जो इंक्यूबेटर है 7 डेज के लिए होने वाला है। बात करने वाले कुछ और भी इंटरेस्टिंग अपडेट के बारे में, आई होप आज का अपडेट आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, तो भाई वीडियो को जोर से लाइक कर दीजिएगा, साथ ही ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि पर डे आपको ऐसे ही यहाँ पे चैनल पर वीडियो मिलते रहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन पर सेट कर रख लीजिएगा। बढ़ते हैं आज वीडियो में, यार यहाँ पे बात करते हैं कुछ कमेंट्स आप लोगों ने किया है जिससे रिलेटेड, क्योंकि यार काफी टाइम से मैं कमेंट रीड कर रहा हूँ यार उसके रिप्लाई आप लोग को वीडियो के अंदर नहीं मिल रहा है, तो आज के वीडियो में आप सभी का कमेंट को सिलेक्ट किया हूँ जिसके बारे में मैं अपडेट आप लोग को देने वाला हूँ। सबसे फर्स्ट कमेंट के बारे में बात करते हैं, भाई ने पूछा है भाई टी शर्ट और भाई टेंजलिक पैंट हमारे गेम के अंदर कब आने वाला है। देखो भाई टेंजलिक पैंट एंड यार भाई टी शर्ट जो इस वाले अपडेट में ही हमारे गेम के रिटर्न में आने वाला था, बट यार देखो यूनिवर्सिटी के टाइम पे ये जो है सारी चीजें आने वाला था गेम के रिटर्न में, बट यार इस वाले अपडेट में इतना सारा बंडल एंड गज इतने सारे गन्स के नहीं गेना डाल दिया है, जिससे ही लाने में गेना को भी काफी टाइम लगने वाला, जिसके कारण पुराने वाले बंडल एंड गज गन्स सिलेटेड जो इवेंट है उसे डिले किया जा रहा है। अब नो डाउट हमारे गेम के अंदर भाई एंजलिक पैंट भी रिटर्न में आने वाला है, साथ ही गजर भाई टी शर्ट भी आने वाला है, लेकिन अभी कुछ टाइम लगने वाला है, आप लोग थोड़े टाइम के लिए और भी पेशेंस रख लो, शायद से नेक्स्ट मंथ में आप लोग को देखने मिल जाएगा। अभी यार कार्तिक भाई ने पूछा भाई नेक्स्ट मैजिक बंडल बताओ यार प्लेस कौन सा होने वाला, तो ब्रो यार देखो मैजिक के अंदर आप लोग को ढेर सारे बंडल के अपडेट आने वाले हैं एनिवर्सरी के पीक डे के टाइम पे। ये भाई तो फिक्स ही है, क्योंकि आपको पता ही है जब भी कोई बड़ा इवेंट हमारे गेम के अंदर डाला जाता है आप लोग को मैजिक स्टोर में बंडल काफी सारे ऐड किए जाते हैं, एंड भाई एनिवर्सरी का इवेंट है तो भाई जरूर से बंडल तो ऐड होने वाले हैं। ब्रो यार इससे रिलेटेड आप लोग एक डेडिकेटेड वीडियो भी मैं यहाँ पे लाकर देने वाला हूँ आज के दिन, आई मीन यार कल के दिन। एक और भी कमेंट है जो भाई काफी ज्यादा पूछा जाता है, वैसे तो मैंने सिलेक्ट नहीं किया बट आप लोग को वैसे ही यहाँ पे बता देता हूँ, आप लोग मेरे से काफी टाइम से पूछ रहे हैं भाई हमारे गिफ्ट स्टोर के अंदर इवो बंडल के टोकन कब ऐड होने वाले हैं। यार देखो इवो बंडल का क्या सीन है, देखो अभी अपडेट जो हमारे गेम पर डाला गया है जिसमें यार अभी फिलहाल तो ऐड नहीं होने वाले हैं, इससे रिलेटेड कुछ भी अपडेट नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर ऐड करना होता तो भाई अपडेट आने के बाद ही ऐड हो जाता, अभी फिलहाल तो ऐड नहीं हुआ, तो अभी फिलहाल इससे रिलेटेड अपडेट भी नहीं आ रहा है कि कुछ ऐड हो सकता है। अभी यार मैं खुद क्या बोल गया मुझे खुद भी समझ में नहीं आया, बट इतना समझ लो अभी फिलहाल जो अपडेट है हमारे गेम के अंदर जिसमें यार कुछ भी अपडेट नहीं है कि यार कुछ टोकन ऐड हो सकते हैं हमारे गिफ्ट स्टोर के अंदर, क्योंकि अगर टोकन ऐड होना होता तो भाई काफी पहले ही अपडेट के साथ ही आ जाता। शॉप ने पूछा है भाई नेक्स्ट वेपन रोल बताओ ब्रो, तो भाई नेक्स्ट वेपन रोल के बारे में ऑलरेडी मैंने आप लोग को अपडेट दे दिया है, 4 बर्स्टर का जो गन्स के हमारे नेक्स्ट वेपन रोल के अंदर आने वाला है आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। ये जो वेपन रोल है हमारे इंडियन सर्वर के अंदर 100% कंफर्म हो चुका है, नेक्स्ट में आप लोग देखने मिल जाएगा। वेपन रोल के अंदर जो भाई एनिमेशन है ठीक ठाक है, एवरेज है, उतना भी ज्यादा खास यहाँ पे नहीं बोल सकते हो। और देखो मैं पहले ही आप लोग को बता देता हूँ क्योंकि आप लोग मुझे कमेंट में काफी ज्यादा बोलने वाले हो, आप लोग का काफी सारा कमेंट एंड काफी सारा क्वेश्चन आता है, मैं सॉरी रिप्लाई नहीं कर पाता हूँ, बट आज से आपका भी आप लोगों से प्रॉमिस करता है कि भाई आने वाले नेक्स्ट वीडियो के अंदर आप लोग को जितने सारे कमेंट है उसमें से कुछ सिलेक्टेड कमेंट का रिप्लाई देने वाला है, तो आपका अगर क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। गाइस बताया था ना बैन कोड ईएसपोर्ट के बारे में, ज्यादा जानकारी के लिए ये वाली वीडियो को जरूर से जाकर देखना, मार्केट में एक कंपनी न्यू आई है जो सभी को डेली टास्क के लिए डायमंड बिल्कुल फ्री में दे रही है, देख के रहे हो जल्दी जाकर रजिस्टर करके लूट लो, लिंक गाइस डिस्क्रिप्शन एंड गाइस कमेंट सेक्शन में आप लोगों को मिल जाएगा। बस आज के लिए इतना ही, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिएगा ऐसे ही नई इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं किसी और वीडियो में, बाय गाइस।